अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतासरीने बिफर USRG कैशवर्थ, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम आमीन। आज 23 सितंबर है, आज सैफुर रहमान साहब की पेशी थी कोर्ट में, लेकिन हसब रिवायत वो नहीं आए, ना ही उनकी मिसेज हाजिर हुई। और हम यहाँ से, मैं और खालिद फारूक भाई पहुँच गए थे, मुफ्ती जाहिद साहब भी मौजूद थे, कारी जफर इकबाल साहब भी तशरीफ़ लाए थे, शाहिद साहब भी आए थे, हमारी तकरीबन सारी टीम वहाँ मौजूद थी। उसके अलावा हमारी टीम के वो मेंबर्स जो कि बी फॉर यू के या कैशवर्थ के मेंबर्स तो नहीं हैं, लेकिन उनका ताल्लुक लॉ से है, कानून से है, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उनको वीडियो शूट पर नहीं लिया गया क्योंकि वो बहरहाल बी फॉर यू के मेंबर्स नहीं हैं। हमारे कानूनी मामलात में बी फॉर यू कैशवर्थ के सिलसिले में वो मुआविन व मददगार हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। बाकी तमाम तर डिटेल्स क्योंकि राजा साहब इन टच थे हमारे साथ, तो उनको प्रोवाइड कर दी गई थी, तो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोगों ने देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी। 2-3 दिन से क्योंकि हम एक मरबूत लाइहा अमल तय कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो रही थी, लिहाजा ग्रुप्स को ओपन नहीं किया गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कल से प्रॉपर अपनी टाइमिंग के मुताबिक आप सबके लिए ग्रुप ज़रूर ओपन होगा, सवाल जवाब का सेशन भी होगा, क्वेरीज भी होंगी, जिस जिस भाई को गाइडलाइन चाहिए होगी या बहन को चाहिए होगी वो भी हम इंशाअल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर उम्मीद रखें, हम बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अल्लाह की ज़ात से भी, और जो रनिंग केस भी फॉर यू का चल रहा है और जो मैटर कैशवर्थ का आने वाला है उसके हवाले से भी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।